के 94 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। एमपी के चौथे और आखिरी चरण के लिए वोटिंग शुरू हो चुका है। एमपी की 8 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। देवास, उज्जैन, मंदसौर और रतलाम में मतदान की प्रक्रिया जारी है। थार, इंदौर, खरगोन और खंडवा में भी वोटिंग हो रही है। देखिए आज का दिन कितना अहम है। देश भर के 10 राज्यों की 94 सीटों पर वोटिंग जारी है। एमपी की बात की जाए तो चौथा और आखिरी चरण है। 8 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। देवास, उज्जैन, मंदसौर और रतलाम में मतदान हो रहे हैं। 8 सीट है, 16 जिले हैं और 64 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। देश भर की बात की जाए तो 10 राज्यों में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। और एमपी की बात की जाए तो देवास, उज्जैन, मंदसौर और रतलाम में वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। और धार, इंदौर, खरगोन ये तमाम इलाके हैं जहां पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आखिरी चरण है एमपी में चौथा और हम यही अपील करते हैं कि घरों से बाहर निकले, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी जरूर सुनिश्चित करें। तो चौथा चरण बेहद खास है, तो चप्पे चप्पे पर हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर तैनात है। चलिए आपको सीधा उज्जैन लिए चलते हैं। अमृतांशी हमारे सहयोगी जुड़ी हुई हैं। अमृतांशी, क्या माहौल है, क्योंकि थोड़ी देर में कहा जा रहा है कि जो सूबे के मुखिया यहाँ पे वोट कास्ट करेंगे, और मौसम कैसा है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। देखिए अभी सुबह 7 बजे का वक्त है, तो यहाँ पर हल्की हवाएं जाहिर तौर पर चल रही हैं। अभी इतनी ज़्यादा धूप नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दोपहर जो है वो होती जाएगी, दिन ढलता जाएगा, पारा भी चढ़ता जाएगा, और कहीं ना कहीं देखिए 40 डिग्री के पार ये क्षेत्र में पूरा टेम्परेचर रहता है। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि ये चौथे चरण का और आखिरी चरण का मतदान है मध्य प्रदेश का। फिलहाल हम जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव अपना वोट डालते हुए नजर आएंगे। और आप देख रहे हैं ये आदर्श मतदान केंद्र है उज्जैन के फ्रीगंज क्षेत्र का, और यहाँ पर पूरी तरह से आप देखेंगे तो वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजते ही यहाँ पर जो तमाम जो लोग हैं वो वोट डालने के लिए पहुंचने शुरू हो गए हैं। काफ़ी सुंदर तरीके से इस पूरे जो है पोलिंग स्टेशन को सजाया गया है। महत्वपूर्ण बात ये भी हो जाती है, क्योंकि गर्मी का वक्त है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टेंट वगैरह सब लगाए गए हैं, जिससे कि लोगों को धूप में परेशान ना होना पड़े, और यहाँ पर जो है सजावट भी खास तौर पर कर दी गई है। अब आपको दिखा देते हैं कि सुबह से ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोगों की जो है वो लाइन लगी हुई है। यहाँ पर सुबह से ही लोग लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, क्योंकि मतदान अब शुरू हो चुका है। इसके साथ ही यहाँ पर जो है लोगों का पहुँचना भी शुरू हो गया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री पहुँचेंगे, लोग भी पहुँचे हुए हैं। कहीं ना कहीं उत्साह सुबह से ही लोगों में काफ़ी ज़्यादा है। एक चीज़ ये देखी जाती है कि सुबह सुबह जो है वो अक्सर लोग जल्दी मतदान करने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि सुबह काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है, आसानी से लोग जो है सुबह सुबह आ जाते हैं और यहाँ पर मतदान भी करते हैं। लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे कि इस बार देखिए उज्जैन की जनता के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर जो है वो वोटिंग यहाँ पर की जाएगी। और अब क्योंकि महिलाएँ भी पहुँच चुकी हैं, पुरुष भी पहुँच रहे हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है काफ़ी खूबसूरत तरीके से इस पूरी जगह को सजाया गया है। और उज्जैन की भी जागरूक जनता है, जो कि सुबह से ही वोटिंग करने के लिए अब पहुँच भी गई है। जानने की कोशिश करेंगे सर, किन मुद्दों पर उज्जैन की जनता इस बार वोट डालने के लिए पहुँची हुई है। विकास के मुद्दे पर, विकास सर आपकी नज़रों में क्या है? पूरा भारत का विकास, भारत का विकास। आप भी सुबह सुबह पहुंचे हुए हैं सबसे पहले वोट डालने के लिए, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है, और सही मतलब उसको चुनने का मतलब उत्साह है, सही प्रतिदिन उसको चुनने का उत्साह है। ठीक है, आप क्या चाहते हैं, आप लोगों के लिए क्या होना चाहिए, युवाओं के लिए? युवाओं के लिए मैम एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, और एजुकेशन वगैरह अच्छा होना चाहिए, और ये सब अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है विकास के मुद्दों पर वोट डालने के लिए जनता पहुँची हुई है। और चाहे हम अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए जो युवा थे उन्होंने कहा कि जो मुद्दे हैं वो एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा, इसके अलावा देश का विकास है, प्रदेश का विकास है, लोकसभा क्षेत्र का विकास है, इन्हीं मुद्दों पर जो है वो जनता फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आपको एक बार और तस्वीरें दिखा देते हैं कि देखिए लाइन यहाँ पर जो लगी हुई थी
हालांकि पूरे प्रदेश भर में जो है वो लोगों में आज उत्साह जरूर है। महत्वपूर्ण ये भी है कि इस बार भी चुनाव आयोग की यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग वोटिंग करने के लिए पहुँचें, क्योंकि पिछले दो चरणों के अलावा तीसरे चरण में मतदान की प्रक्रिया काफ़ी बेहतर तरीके से रही थी और वोटिंग परसेंटेज थोड़ा बड़ा भी था। तो इस बार भी चुनाव आयोग यही कोशिश में लगा हुआ है, जिला प्रशासन भी यही कोशिश में लगा हुआ है। आपने सर मतदान कर दिया है? आधार कार्ड का क्या? अच्छा, अभी देखिए यहाँ पर आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि आप बिना आईडी प्रूफ के जो है वो मतदान नहीं कर सकते। आपके पास भले ही मतदाता पर्ची हो, लेकिन आपको अपना वोटर आईडी कार्ड या फिर जो मतदान का जो मतदान के लिए जो आइडेंटिटी कार्ड है वो लाने की ज़रूरत पड़ती है। और इसी कारण यहाँ पर पूरी प्रक्रिया के साथ महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए अलग अलग एक लाइन बनाई गई है, अलग अलग जगह बनाई गई है, और इसके साथ ही सभी लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार भी कर रहे हैं। और पूरी सुरक्षा के साथ, पूरी जो है चेकिंग के बाद ही सभी डॉक्यूमेंट्स की लोगों को अंदर भेजा जा रहा है, जिससे कि वो मतदान कर सकें। जी अमृताज जी, क्योंकि सूबे के मुखिया का ये गृह ज़िला है और उस लिहाज से ये सीट अहम हो जाती है, क्या खास मुद्दे यहाँ पर रहे हैं ये जानना चाहूंगी। देखिए उज्जैन क्षेत्र की बात करें तो हर बार ये देखा गया है कि यहाँ के जो मुद्दे होते हैं वो राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दे मिलाकर होते हैं। अगर मान ली जाए कि जो है जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो राम मंदिर का मुद्दा है, जो राष्ट्रीय मुद्दे लेकर जो है बीजेपी चल रही है नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर, वो मुद्दे तो यहाँ पर हावी रहते ही हैं, क्योंकि देखिए ये धर्मनगरी और धर्मनगरी होने के नाते उज्जैन और उज्जैन का लोकसभा क्षेत्र काफ़ी फैला हुआ भी है, कुल 8 विधानसभाएँ इसमें आती हैं। इसके अलावा ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सूबे के मुखिया यहाँ से आते हैं, कई बड़े दिग्गज नेता इस क्षेत्र से आते हैं, बहुत लंबा इतिहास इस पूरे क्षेत्र का रहा है। 1989 से आज तक बीजेपी यहाँ पर सिर्फ एक बार हारी है 2009 में, उसके अलावा बीजेपी कभी यहाँ पर हारी नहीं है, लगातार बीजेपी ने इसको अपने गढ़ के रूप में बरकरार रखा हुआ है। इसके अलावा स्थानीय मुद्दों की अगर बात करें, जो लोगों ने बात की कि यहाँ पर रोज़गार एक बड़ा मुद्दा है, शिप्रा की सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है उज्जैन में, क्योंकि देखिए शिप्रा मोक्षदायिनी मानी जाती है, वो लाइफलाइन है। इसके अलावा क्योंकि शिप्रा की सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, खुद मुख्यमंत्री ये बात मानते हैं कि कांस नदी का जो पानी शिप्रा में मिल रहा है उसको ख़त्म किया जाए और शिप्रा को और भी ज़्यादा साफ बनाया जाए, जिस तरह से गंगा के लिए जो है अभियान चले हैं वो शिप्रा के लिए चलाए जाए, तो ये सब जो है वो मुद्दे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि एक चीज़ ये भी हो जाती है कि उज्जैन और जिसका आसपास का क्षेत्र है ये धर्म नगरी के रूप में जो है वो काफ़ी डेवलप हुआ है महाकाल लोक के बाद से, कई चीज़ें हैं, लेकिन धर्म नगरी के अलावा भी कई मुद्दों पर उज्जैन की जनता जो है वो विकास मांगती है, और यही विकास को देखते हुए उज्जैन की जनता वोट करने के लिए आज घरों से निकल रही है।